हेलो दोस्तों, चैनल पर वापस स्वागत है। आज हम एक दिलचस्प सवाल पर गौर करेंगे जो कई हिंदुत्व मानने वालों के मन में चल रहा है। क्या मांसाहार करने वाले मैनव की पूजा भगवान स्वीकार करते हैं? जैसा कि आप जानते हैं, हिंदू धर्म बहुत पुराना और विविधताओं से भरा धर्म है। इसमें कई मान्यताएं और परंपराएं हैं, और इन्हीं में से एक सबसे ज्यादा चर्चित विषय है कि क्या भगवान मांसाहार करने वालों की प्रार्थना स्वीकार करते हैं। तो चलिए इस सवाल को पौराणिक और दार्शनिक दोनों नजरियों से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि हिंदू धर्म एक जैसा नहीं है। इसमें कई परंपराएं शामिल हैं और हर परंपरा की अपनी मान्यताएं हैं। हमारे कई धर्म ग्रंथ जैसे वेद, उपनिषद और पुराण इस बारे में अलग अलग विचार देते हैं। उदाहरण के लिए, वैदिक ग्रंथों में कुछ खास रिचुअल्स के संदर्भ में जानवरों की बलि का जिक्र है। ये ग्रंथ बताते हैं कि उस समय में मांस खाना आध्यात्मिक साधना में कोई रुकावट नहीं माना जाता था। हालांकि सदियों से अहिंसा पर जोर दिया जाने लगा, खासकर महाभारत और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में। लेकिन चलिए, भगवद गीता में भगवान कृष्ण की शिक्षाओं के बारे में बात करते हैं। कृष्ण भक्ति और हमारे एक्शंस के पीछे की भावना के महत्व के बारे में बताते हैं। वो इस बात पर जोर देते हैं कि किसी के खान पान से ज्यादा महत्व हमारे दिल की शुद्धता और निस्वार्थ भक्ति का है। अध्याय 9 के श्लोक 26 में कृष्ण कहते हैं, जो कोई भी मुझे प्रेम और भक्ति के साथ पत्ता, फूल, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यहाँ मुख्य बात है प्रेम और भक्ति। दूसरी तरफ हिंदू धर्म की कुछ संप्रदाय और परंपराएं स्ट्रिक्ट वेजिटेरियनिज्म की वकालत करती हैं। उदाहरण के लिए, वैष्णव संप्रदाय, खासकर ISK कौन के अनुयायी शुद्धता और अहिंसा बनाए रखने के लिए वेजिटेरियन डाइट पर बहुत जोर देते हैं। लेकिन इन ग्रुप्स में भी फोकस भक्ति और सच्चाई पर होता है। तो क्या भगवान मांसाहार करने वालों की प्रार्थना स्वीकार करते हैं? इस सवाल का जवाब आसान नहीं है। ये काफी हद तक किसी की निजी मान्यताओं, उसके द्वारा अपनाए गए टीचिंग्स और प्रार्थना के पीछे की भावना पर निर्भर करता है। माना जाता है कि भगवान दयालु और समझदार हैं और हर भक्त के दिल की भक्ति को पहचानते हैं। याद रखें, आध्यात्मिकता एक बहुत ही निजी यात्रा है। आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी सच्चाई, भक्ति और आपकी भावनाओं की शुद्धता। ट्यून इन करने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम और भी पौराणिक और आध्यात्मिक चर्चाएं कर सकें। अगली वीडियो में मिलते हैं।